जय हिंद साथियों, आज हम लोग हिंदी गुरु एकेडमी में जो है समास पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें अव्ययीभाव समास ब्लॉक का टॉपिक हो चुका है। इसके बाद आज हम लोग तत्पुरुष समास पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग का अगला टॉपिक होगा तत्पुरुष समास। देखिए, इससे पहले समास के बारे में हम लोग चर्चा किए कि समास कहते किसे, इसकी परिभाषा हमने बताया और जो है समास के एनसीईआरटी के अनुसार भी हमने परिभाषा बताया हुआ है। समास हम लोग का टॉपिक चल रहा है समास। यहाँ पर इससे पहले हिंदी वर्णमाला और संधि कारक टॉपिक हो चुका है। हम लोग का चौथा टॉपिक चल रहा है समास जो है, जिसमें हम लोग का नंबर एक अव्ययीभाव भाव समास पूरा हो चुका है। इसके बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे नंबर दो तत्पुरुष समास पर। आज हम लोग का टॉपिक है तत्पुरुष समास। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में एक प्रश्न आया था रक्त रंजित, तत्पुरुष समास से ही पूछा गया था रक्त रंजित। यहाँ पर देखिए लिखा गया पीपी बीएड और डीजीटी पीजीटी स्पेशल व्याकरण हमने निःशुल्क क्लास चलाया हुआ है। कल किसी एक लोगों ने सब्सक्राइब शेयर किया था और सब्सक्राइब किया था, आप लोग शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक लोगों के पास वीडियो को जो है शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जैसे हम लोग आज हम लोग का टॉपिक है तत्पुरुष समास। अब देखिए, जहाँ देखिए एनसीईआरटी की परिभाषा है जो है, इसमें तत्पुरुष समास कहते किसे हैं, जिस समास का आप सीधे जानिए कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। आप एक लाइन में जानिए कि जिस क्या होगा, जिस इसकी परिभाषा है कि जिस समास का उत्तर पद क्या होता है, उत्तर पद, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर पद प्रधान, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान, प्रधान उत्तर पद क्या होता है, प्रधान अर्थात अंतिम, अर्थात यहाँ पर लिखिएगा उत्तर पद, यहाँ पर लिखिए अर्थात, यहाँ पर अर्थात क्या होगा, अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात अंतिम पद, अंतिम पद प्रधान हो, प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तत्पुरुष समास कहते हैं। इसकी देखिए परिभाषा है, इसकी परिभाषा है, निकर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका विग्रह किया जाता है। देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कर्ता कारक और क्या होता है कि संबोधन कारक, कर्ता कारक और संबोधन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको समझने की बात है। संबोधन कारक को छोड़कर शेष में विभक्तियां लगाकर क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो है तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक का जो है विभक्तियां, यहाँ जो है आपका तत्पुरुष समास में नहीं चलता है, कर्ता कारक और संबोधन कारक का, और शेष में क्या है, विभक्तियां लगाकर। देखिए यहाँ पर विभक्तियां लगाकर ही हम लोग विभक्तियां लगाकर हम लोग जो है क्या करेंगे, कर्ता का तत्पुरुष समास में हम लोग जो है विभक्तियां लगाकर तत्पुरुष समास का जो है समास विग्रह करेंगे। वही कह रहा है, विभक्तियां लगाकर जो है इसका समास क्या करते हैं, इसका यानी क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं, चाहे आप लिख दीजिए विग्रह करते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए समास, यानी किसका विग्रह करते हैं, समास का, वही तत्पुरुष समास का हम लोग क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। इसके बाद जैसे
एनसीईआरटी की भी परिभाषा है कि जो है जहां समस्त पद के दो खंडों के बीच किसी किसी का किसी परसर या किसी परसर को हम कार्य कहते हैं, को के लिए विभक्तियां लगाकर, को के लिए विभक्तियां लगा आदि विभक्तियां लगाकर तत्पुरुष समास जो है क्या होता है, को के लिए आदि का लोप होता है और यहाँ तत्पुरुष समास होता है। क्या होगा अभी देखिए, विभक्तियां लगाकर हम लोग पूरा तत्पुरुष समास पर चर्चा करेंगे। तो इसको इतना ही जानिए कि जिस समास का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्ता कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर, यानी कर्ता कारक और संबोधन कारक जो है तत्पुरुष समास में नहीं चलता है, यानी इसकी विभक्तियां नहीं लगती हैं, न ही तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक का जो है हम लोग समास बना सकते हैं। वही कहा छोड़कर शेष विभक्तियां लगाकर इसका विग्रह, यानी समास का क्या करते हैं, तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का क्या करते हैं, वही कह रहा है विग्रह करते हैं। तो इसकी परिभाषा है, परिभाषा आप लोग समझ रहे जिससे आपको समझने में आसानी होगी। इसके बाद अब हम लोग उदाहरण पर चर्चा करेंगे। कि तत्पुरुष समास में एक एक करके अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तत्पुरुष समास में जो है एक एक चिन्ह लगाकर अब हम लोग विभक्तियां, जैसे सबसे देखिए कर्ता कारक का आपका इसमें तत्पुरुष समास में नहीं चलेगा, तो हम लोग द्वितीय विभक्त पर क्या आएंगे, इसलिए कहते हैं आपका समास जो है कारक पर ही डिपेंड है। कारक का वीडियो अपलोड है, आप लोग जरूर देखिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। तो हम लोग द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, चाहे द्वितीय कहिए चाहे द्वितीय तत्पुरुष। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से द्वितीय तत्पुरुष से हम लोग चलेंगे, क्योंकि कर्ता कारक का तत्पुरुष समास नहीं होता है, तो इसमें कर्म तत्पुरुष। अब द्वितीय तत्पुरुष में क्या है, कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, यानी कर्म तत्पुरुष। अब यहाँ पर कर्म तत्पुरुष में क्या लगता है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर देखिए को पर ही चलेगा पूरा आपका जो है तत्पुरुष समास में जो है नंबर एक जो आपका है द्वितीय तत्पुरुष, वो आपका इसी पर चलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी इसका विग्रह जो हम लोग करेंगे, जैसे हमने कोई प्रश्न लिखा, जैसे लिखा कष्टापन, कष्टापन। अब यहाँ पर देखिए कष्टापन जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कष्टापन कष्ट को अपन, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कष्ट को अपन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही आपका विभक्ति चलेगा, इसीलिए हमने कहा कि आप लोग समास का वीडियो देखने से पहले एक बार जो है कारक का वीडियो जरूर देखिए, आपको तत्पुरुष समास या समास पूरा समास समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। खास करके तत्पुरुष समास जो है आपका कारक की ही पर ही डिपेंड है तत्पुरुष समास जो है। तो कष्टापन जैसे लिखा तो कष्ट को अपन, यहाँ पर जब उसका हमने विग्रह किया, फिर जैसे हमने लिखा गगन चुंबी, जैसे एक प्रश्न लिखा गया गगन चुंबी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए गगन चुंबी, अब क्या होगा इसका विग्रह, गगन को चुंबने वाला, गगन को चुंबने वाला। अब इसका विग्रह क्या होगा, देखिए सबसे ज्यादा विग्रह ही ध्यान दीजिए, नहीं प्रश्न आप गलत कर रहे हैं, गगन को चुंबने वाला। यहाँ पर ध्यान दीजिए हिंदी व्याकरण का जो है हमने निःशुल्क हिंदी गुरु अकेडमी में जो है जो आप लोग 3,000, 2,000, 2,500 और आपका 1,200 में भी हिंदी व्याकरण आपको मिलता है यूट्यूब पर, इसी बताइए जो आप इतना देख के पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए निःशुल्क संस्थान चलाया जा रहा है हिंदी व्याकरण में, और आपको पूरा 100% आपके लिए UPP, BEd और TED
मैं तो ये सब आप लोग चुटकी में करके आएंगे। यहाँ पर टीजीपी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे बाहर भी नहीं रहेगा यूपीपी। अब जैसे एक प्रश्न आया था, अभी हम बताएंगे आपको स्वर्ण प्राप्त। पहले हम लोग परिभाषा उदाहरण पहले देखें, स्वर्ण प्राप्त। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, स्वर्ण प्राप्त को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, स्वर्ग प्राप्त। चाहे स्वर्ण कहिए, स्वर्ण को प्राप्त, लेकिन स्वर्ग लिख दीजिए यहाँ पर, एनसीईआरटी के बुक में दिया गया स्वर्ग प्राप्त, तो यानी क्या होगा, स्वर्ग को प्राप्त। जब इसकी हम लोग परिभाषा तोड़ेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त, देखिए विग्रह करने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि बताइए स्वर्ग को प्राप्त, अब को विभक्तियां लगा दिया, आप लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि द्वितीय ने कर्म तत्पुरुष हमारा है। देखिए विभक्तियां को पूछता है, टट में आया था रसोई घर, तो रसोई के लिए घर अभी आगे बताया जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे गगन चुंबी बहुत इंपॉर्टेंट है, गगन को चुनने वाला स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ये आपका तत्पुरुष समास में जो है द्वितीय तत्पुरुष से हम लोग का चल रहा है, क्योंकि क्योंकि जो है स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसके बाद जैसे है चिड़ी मार, एक प्रश्न पूछा चिड़ी मार, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसका विग्रह हम लोग करेंगे तो चिड़ियों को मारने वाला क्या होगा, चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला, मारने वाला। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चिड़ी मार यानी चिड़ियों को मारने वाला। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए मोक्ष प्राप्त, जैसे प्रश्न पूछा मोक्ष प्राप्त, तो इसका क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त। जब इसका विग्रह हम लोग करेंगे तो क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सब प्रश्न पूछ सकता है मोक्ष को प्राप्त जो है। इसके बाद फिर हम लोग एक प्रश्न लिखते हैं, जैसे प्रश्न पूछा गया कठफोड़ा, क्या है कठफोड़ा, अभी हम लोग द्वितीय तत्पुरुष से ही शुरू किए हैं उदाहरण तत्पुरुष समास में, जैसे कठफोड़ा, यह लिख दीजिए शरणागत, पहले लिख दीजिए शरणागत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इसका विग्रह हम लोग करेंगे तो क्या होगा, सरण को, सरण, सरण को लेने को आया हुआ, सरण को लेने को आया हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए इसका विग्रह, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका विग्रह जरूर जानिए कि शरण को लेने को आया हुआ, शरणागत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपसे पूछ सकता है सुखप्रद, जैसे एक प्रश्न पूछा गया सुखप्रद, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सुखप्रद जैसे पूछा गया तो इसका जब विग्रह करेंगे सुख को देने वाला, जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सुख को देने वाला, देने वाला, सुख को देने वाला इसका विग्रह होगा। जैसे मान लीजिए पूछा गया आशातीत, आशातीत, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आशातीत का हम लोग जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, आशा को लाघ करा गया होगा, इसका विग्रह क्या होगा, आशा को लाघ कर गया हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए इसका विग्रह यही समझिए, आपको तभी तोड़ पाएंगे, आपका इसी पर चल रहा है। यहाँ पर देखिए को विभक्त भी है, को विभक्त इसीलिए कहते हैं, विग्रह जब आप लोग जानेंगे तो आशातीत कभी गलत नहीं होगा, शरणागत कभी गलत नहीं होगा, क्या होगा, शरणागत जैसे प्रश्न मान लीजिए गया ये कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद फिर जैसे प्रश्न पूछा गया कि जो है ग्रहगत, एक प्रश्न आया बताइए ग्रहगत कौन सा समास, तत्पुरुष समास, लेकिन मान लीजिए भेद पूछ लिया तो आपका क्या होगा, कर्म तत्पुरुष होगा ग्रहगत। जब इसका विग्रह करेंगे ग्रह को आगत, कैसे पहचानेंगे कि कर्म तत्पुरुष है, इसी को से पहचानेंगे ग्रह को आगत। अब यहां पर ध्यान दीजिए,
इसी से पहचान जाएंगे कि ये जो है कर्म तत्पुरुष है, वो विभक्त है। यहाँ पर देखिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। और जैसे पूछा गया पतित पावन, यहाँ से पूछा गया प्रश्न पतित पावन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पतित पावन यानी पतितों को पवित्र करने वाला, पतितों को पवित्र करने वाला, इसका विग्रह होगा पवित्र करने वाला। अब यहां पर ध्यान दीजिए इसका विग्रह क्या होगा कि पतितों को पवित्र करने वाला पतित पावन। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राहकत भी आशातीत भी आपका पूछ सकता है कि आपका क्या है तत्पुरुष समास में, कर्म तत्पुरुष है, क्या है कर्म तत्पुरुष है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने पढ़ा द्वितीय तत्पुरुष में ये सब जो है। एक और प्रश्न है माखन चोर, पूछ सकता है कि माखन चोर, पूछ सकता है कि माखन चोर में बताइए कौन सा समास है। तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है। कैसे इसका विग्रह करेंगे, माखन को चुराने वाला, जब इसका विग्रह हम लोग करेंगे तो क्या होगा माखन को चुराने वाला, चुराने वाला इसका विग्रह होगा, क्या होगा माखन को चुराने वाला। हम लोग तुरंत पहचान जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास में क्या है कर्म तत्पुरुष है, क्या है कर्म तत्पुरुष समास है। देखिए यहाँ से प्रश्न जरूर फंसेंगे। और जैसे एक एनसीईआरटी में लिखा गया है हस्तलिखित, ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा गया है हस्तलिखित। अब यहाँ पर आपको पहचानना है कि हस्तलिखित में बताइए कौन सा समास है, तो हाथ से लिखा हुआ। यहाँ पर देखिए ये आपका किस में चला जाएगा, करण कर्ता ने कर्म को करण से में चला जाएगा हस्तलिखित, वहाँ बताएंगे आपको। यहाँ पर देखिए जो है तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास ही है, लेकिन यहाँ पर को तत्पुरुष समास ये नहीं है, यहाँ पर को तत्पुरुष समास नहीं है। जैसे मान लीजिए पूछा गया आपसे परलोक गमन, एक प्रश्न पूछा गया परलोक गमन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो ये कर्म तत्पुरुष होगा, क्या होगा कर्म तत्पुरुष में परलोक गमन का, परलोक को जाना, जब इसका विग्रह करेंगे परलोक को जाना इसका विग्रह होगा, परलोक को जाना इसका विग्रह होगा। और इसी से पहचान जाएंगे कि परलोक गमन, मान लीजिए आपसे पूछा कि बताइए परलोक गमन कौन सा समास, तो आपका अगर भेद में नहीं जा रहा है तो आप सीधे लगाइए तत्पुरुष समास से। लेकिन यदि आपसे कभी भी पूछ, देखिए रसोई घर यदि टट में पूछ सकता है, टट में पूछा गया रसोई घर कौन सा समास, लेकिन पूछा गया था रसोई के लिए घर, वहाँ पर देखिए भेद में गया था, तो के लिए कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, यानी संप्रदान तत्पुरुष है जो है रसोई घर। तो उसी तरीके से यदि भेद मिल जाएगा तो आपसे जरूर पूछेगा माखन चोर में बताइए तत्पुरुष समास में कौन सा भेद है, तो आप जब तक विग्रह नहीं जानेंगे कि माखन को चुराने वाला यानी कर्म तत्पुरुष है, को विभक्ति है, तो यहाँ पर तब तक आप लोग कर्म तत्पुरुष नहीं पहचान पाएंगे और आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे अगले जो है समास पर, फिर हम लोग तृतीय तत्पुरुष यानी इसके बाद हम लोग चलेंगे तत्पुरुष समास में ही। जैसे तत्पुरुष समास में करण तत्पुरुष, अब देखिए करण में क्या होगा से द्वारा, इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, तीसरे पर हम लोग जाएंगे, क्योंकि कर्ता कारक का जो है तत्पुरुष समास होता ही नहीं है, तो करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष में जब इसकी विभक्तियों पर हम लोग जाएंगे तो क्या होगा से द्वारा, करण तत्पुरुष से द्वारा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग कैसे पहचानेंगे, उदाहरणों के माध्यम से भी पहचानेंगे हम लोग। जैसे हमने कोई उदाहरण लिखा तुलसी कृत, जैसे हमने एक उदाहरण लिखा तुलसी कृत, मान लीजिए एक उदाहरण लिखा गया
तुलसी तुलसी कृत। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसी पर आएगा तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत इसका विग्रह होगा, इसका विग्रह क्या होगा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत इसका जो है विग्रह हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए हम लोग समास में देखिए पूछे चार भेद भी लगाइएगा, लेकिन टोटल समास छः पढ़ना है, जिसमें हम लोग आज दूसरा समास तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो हम लोग एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक का, जैसे तत्पुरुष का वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। इससे पहले हमने द्विभाव समास अपलोड किया, उसका वीडियो आप लोग देखिए, जिससे आपका द्विभाव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि एक ही वीडियो में पूरा जो है वीडियो अपलोड करने का प्रयास किया जाता तो आप भी वीडियो देखते और कन्फ्यूजन भी बना रहता। तो यहाँ पर जैसे पूछा गया करुणापुर, जैसे प्रश्न पूछा गया करुणापुर, अब क्या होगा, करुणा से पूर्ण, इसका विग्रह क्या होगा, करुणा से पूर्ण। अब देखिए इसको कैसे पहचान रहे हैं करुणा से पूर्ण, कि हमारा करण तत्पुरुष है, हम लोग इसी के माध्यम से पहचान रहे हैं। यहाँ पर देखिए द्वारा आया, इसका विग्रह यहाँ पर से आया, तो इसी से हम लोग पहचानेंगे। विग्रह जब हम लोग जानेंगे तभी हम पहचान पाएंगे तुलसी कृत हमारा तत्पुरुष समास है क्या है, और उत्तर पद हमारा क्या होता है, प्रधान होता है। उत्तर पद इसमें प्रधान होता है विभाव में, पूर्व पद अव्यय होगा चाहे कहिए, चाहे पूर्व पद उसमें पहले पद हमारा प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन हमने लिखा तो प्रति हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिदिन समस्त पद हो जाएगा, प्रतिदिन पूर्व पद हो जाएगा, इसी को अव्यय कहिए, और दिन जो हमारा है वो हमारा उत्तर पद हो जाएगा। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, तुलसी कृत यदि कृत हमारा इसमें क्या है, अब हमारा तत्पुरुष समास में सभी तत्पुरुष समास हमारा क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, यानी हमने परिभाषा में भी बताया था। इसके बाद जैसे हमने लिखा अकाल पीड़ित, एक प्रश्न लिखा अकाल पीड़ित, आपसे पूछा गया कि बताइए अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास आपने लगा दिया, लेकिन यदि भेद में दे दिए जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, क्या लगाएंगे, अकाल पीड़ित। तो यदि जब तक आप विग्रह नहीं जानेंगे कि भाई इसका विग्रह होगा अकाल से पीड़ित, इसका विग्रह क्या होगा अकाल से पीड़ित, तब तक आप लोग सही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं इसका विग्रह जरूर जानिए, विग्रह सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका तत्पुरुष समास चुटकी में सर सही हो जाएगा और सबसे सरल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह रटेंगे तुलसी के लिए तत्पुरुष समास, तुलसी के लिए तत्पुरुष समास, गलत करके चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर जब तक ही नहीं जानेंगे, तुलसी द्वारा कृत हमने पढ़ा था तभी सही होगा, यानी करण तत्पुरुष तो है लेकिन नहीं भेज दिया करण तत्पुरुष, अरे भाई तत्पुरुष समास है, तुरंत लगा के चले जाएंगे। लेकिन यदि आप ऐसे रटे रहेंगे कि तुलसी कृत ये हमारा तत्पुरुष समास है, कितना रटेंगे गलत कर जाएंगे। जैसे पूछा गया मद माता, अब ये प्रश्न TGT में आया हुआ प्रश्न है, ये आपके UPP BEd जैसे एंट्रेंस में, देखिए UPP और BEd स्पेशल हमने जो है स्पेशल हिंदी व्याकरण का पूरा वीडियो अपलोड कर देंगे, व्याकरण का लगभग इसी अप्रैल और कुछ मई में जो है पूरा हिंदी व्याकरण पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। जो लोग देखिए UPP और BEd के स्पेशल हमने साहित्य जो है 9 भाग में प्लेलिस्ट में आपके अपलोड है, आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाइए, वहाँ पर साहित्य का हमने जो हिंदी साहित्य जितना पूछा जाता है, यदि आप लोगों ने 9 भाग का ये वीडियो देख लिया तो यहाँ पर आपका साहित्य इनकी इस बोर्ड की दृष्टि से आपका परीक्षा की दृष्टि से कभी गलत नहीं होगा। टेट की भी जो यहाँ पर टेट के भी प्रश्न गलत नहीं होगा। TGT PGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है 9 भाग, लेकिन इनके लिए स्पेशल कुछ उसी प्रश्नों को डाला गया है जो प्रश्न आने की उम्मीद है। जैसे मानसरोवर प्रश्न, जो लोग 60 वीडियो में मेरा देखे होंगे, मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद का कहानी है, इसमें लगभग 300 कहानियां हैं, यही मानसरोवर UPP में पूछा गया और कई लोगों ने गलत किया मानसरोवर, कई साहित्य के प्रश्न आए थे। मद माता यानी क्या, इसका विग्रह करेंगे,
मद से मातर। जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मद से मातर। देखिए इसीलिए कह रहे हैं कि कारक जरूर पढ़ लीजिए, कारक, क्योंकि कारक पर आपका तत्पुरुष समास पूरा डिपेंड है, पूरी विभक्तियां चलेंगी, कर्ता कारक और संबोधन कारक। देखिए एक प्रश्न ये भी बन सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है ये पूछ सकता है कि तत्पुरुष समास में किस कारक का विभक्तियां नहीं होती, तो आप लोग लगाइएगा कर्ता कारक और इसको नोट कर लीजिए संबोधन कारक। पूछ सकता है प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि किस कारक का विभक्तियां नहीं होती, तत्पुरुष समास में किस कारक की विभक्तियां नहीं होती, 100% पूछ सकता है प्रश्न, कभी भी आ सकता है। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक आप लोग ध्यान रखे रखिएगा कि कर्ता कारक और संबोधन कारक की क्या होती है, विभक्तियां नहीं लगती है, यानी इनकी विभक्तियां नहीं होती है। इसके बाद जैसे हमने लिखा मद से माता, फिर हम लोग अगला टॉपिक लिखेंगे जैसे मनमाना। एक प्रश्न पूछा गया, बताइए मनमाना में कौन सा समास है, तो क्या होगा मन से माना। जब इसका विग्रह करेंगे मन से माना, देखिए जो लोग यूपीपी और बीएड की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही काफी कठिन होगा, क्योंकि जब हम लोग भी तैयारी करते थे तो हम लोग को बहुत कठिन लगता था, लेकिन अब हम लोगों के लिए बहुत आसान है क्योंकि उस लेवल की तैयारी हो गई है। इसलिए आप लोग भी जिस तरह बताया जा रहा है यदि आप लोगों ने फॉलो किया तो 100% सही करके आएंगे जो लोग। और देखिए 37 नंबर हिंदी यहाँ पर यूपीपी में और जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सिलेक्शन होगा यूपीपी में, यहाँ पर ध्यान दीजिए। और बीएड जो एंट्रेंस लगा हुआ है यहाँ पर 50 नंबर हिंदी के आते हैं, जिसमें लगभग बैलेंस रहता है 25 साहित्य के और 25 व्याकरण के, आप लोग 48। और इसमें जो है यदि आप लोगों ने 5 जो है, कई लोगों ने जो हमारे साथ जुड़े हुए थे कुछ लोगों ने 27 पर सही किया था, 5 जो है गद्यांश छोड़ करके कुछ लोगों ने 28 प्रश्न सही किया था। अब ये उद्धरण चिन्ह आप लोग गलत कर दीजिए, मान सरोवर गलत कर दीजिए, अधिकरण में कौन सा उपसर्ग है अधि गलत कर दीजिए, तो बताइए आप लोग कितना सही करेंगे, आप लोगों की गलती है। तो यहाँ पर इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये सब प्रश्न आ सकते हैं मन माना। मान लीजिए यूपीपी की जो भर्ती है निरस्त हुई है, मान लीजिए जब एग्जाम होगा वहाँ पूछ सकता है तुलसीकृत बताइए कौन सा समास है, 100% भेद मिल जाएगा। ये जो भेद हमने लिखा है तत्पुरुष समास, यहाँ इसी भेद को पूछता है और यही गलत करके चले जाते हैं। ये ऐसे पूछ लेगा तुलसीकृत, 4 आसन बनाएगा, तुलसी द्वारा कृत, तुलसी से कृत, तुलसी को कृत, या इनमें से कोई नहीं, द्वारा सही होगा। जो लोग तुलसी द्वारा कृत लगाएंगे वही सही होगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है, तुलसी द्वारा रचित है, वही कह रहा है तुलसी द्वारा कृत। करुणा पूर्ण यानी करुणा से पूर्ण, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित, मन माता मद से माता, मन माना मन से माना। और भी प्रश्न पूछ सकता है, जैसे पूछा रोग ग्रस्त, अब देखिए रोग ग्रस्त यहाँ पर पूछ सकता है, रोग ग्रस्त बताइए कौन सा समास है, तो रोग से ग्रस्त। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, रोग से ग्रस्त, क्या होगा रोग से ग्रस्त। देखा देखिए इसका विग्रह करिए सबसे पहले, तभी आप लोग सही कर पाएंगे। और भी हैं कई उदाहरण हैं, आप लोग देखिए एनसीईआरटी के भी उदाहरण हैं इसी में, और आपको हृदय बाहरी और कांता प्रसाद गुरु के भी कुछ डॉक्टर वास्तव नंदन का आपको खास करके इसमें मिलेगा। जैसे पूछा गया रस भरा, रस भरा, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे पूछा गया रस भरा, अब जब हम लोग इसका रस भरा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए रस भरा, तो इसका विग्रह करेंगे क्या होगा, रस से भरा, रस से भरा, इसका विग्रह होगा रस से भरा, इसका विग्रह होगा रस से भरा। जैसे फिर पूछा गया, मान लीजिए कोई प्रश्न और पूछा गया कि बताइए मधान, ये देखिए लूसेंट में दिया गया है मधान,
अब देखिए इसका विग्रह करिए आप लोग, मधांत लोशन के रूप में दिया गया है मधांत, तो मद मधांत जो है मद से अंधा, इसका विग्रह होगा मद से अंधा, बहुत ध्यान दीजिएगा नहीं गलत हो जाएगा। मद मधांत मधांत लिखा हुआ है, ये अधना है यहाँ पर धा है, तो मद से अंधा होगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए पूछ लिया मन चाहा, मन चाहा, अब देखिए इसका विग्रह क्या होगा, मन से चाहा, मन से चाहा, इसका विग्रह होगा मन से चाहा, आपका तटस्थ पुरुष समास है। फिर पूछा गया पद दलित, देखिए सब प्रश्न पूछ सकता है पद दलित, प्रैक्टिस करिए पद से दलित, पद दलित यानी क्या होगा, पद से दलित होगा, पद से दलित, पद से दलित। यहाँ पर देखिए ये मन चाहा भी पूछ सकता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है मदान, कभी भी प्रश्न आ सकता है। सूर रचित, देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है सूर रचित। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब इसका विग्रह हम लोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए सूर द्वारा रचित, इसका विग्रह होगा, देखिए सूर द्वारा रचित, सूर रचित। अब देखिए सूर रचित, अब वहां पूछा गया था तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, तो ये भी पूछ सकता है सूर रचित, सूर द्वारा रचित। यहाँ पर द्वारा देखिए क्या है, करण तत्पुरुष है, सिर देखिए आया यहाँ पर भी से आया, इसी विभक्तियां से हम लोग पहचानेंगे कि तत्पुरुष समास में करण तत्पुरुष है। और भी है जैसे मान लीजिए पूछा काम चोर, बहुत प्रश्न है आपका, इतना अभ्यास कर लेंगे इन वीडियो का कभी गलत नहीं होगा, काम से चोर, काम चोर, काम से चोर। कल एक लोगों ने कोई शेयर किया था, जो भी भाई बंधुओं ने शेयर किया था जरूर शेयर करिए चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों के पास जो है भेजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी जो है आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कुछ लोग देख रहे हैं चैनल को शेयर नहीं करते हैं। देह चोर, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बताइए भाई देह चोर में कौन सा समास है, तो क्या होगा देह चोर, चलो तो इसका विग्रह जानेंगे तभी तो सही कर पाएंगे कि देह से चोर, जब इसका विग्रह जानेंगे तभी आपका सही होगा, देह से चोर सही होगा। ये जो है हम लोग करण तत्पुरुष में पढ़ रहे हैं। इसके बाद और भी उदाहरण है, जैसे अब एक प्रश्न आया था यूपीपी में, कई लोगों ने गलत किया था, रक्त रंजित, रक्त रंजित, देखिए जो नोट हमने बनाया है उसमें है रक्त रंजित, यहाँ पर ध्यान दीजिए रक्त से रंजित होगा, रक्त से रंजित। यहाँ पर यूपीपी अभी जो निरस्त हुई भर्ती उसी में पूछा गया था कि रक्त रंजित 17 तारीख के सुबह बैठ में या शाम बैठ में शायद पूछा गया था रक्त रंजित, इसी से पहचान जाइए कि रक्त से रंजित नहीं हमारा करण तत्पुरुष है। देखिए केवल इतना ही पूछा था रक्त रंजित, बताइए कौन सा तत्पुरुष है, लेकिन बहुत लोगों ने गलत किया था रक्त रंजित कौन सा समास, लेकिन जब आप लोग ये जानेंगे कि रक्त से रंजित रक्त रंजित, तो हमारा क्या है रक्त से रंजित जो होगा, रोग पीड़ित, जैसे प्रश्न पूछा गया रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, अब देखिए क्या होगा रोग से पीड़ित, इसका प्रश्न बनेगा रोग से पीड़ित, शायद इसको हमने बताया था रोग पीड़ित, जैसे प्रश्न आ गया, या जैसे आ गया गुणमुक्त, जैसे प्रश्न पूछा गुणमुक्त, बहुत उदाहरण है गुणमुक्त यानी गुणों से मुक्त होगा या गुण से मुक्त होगा, जब इसका विग्रह, इसीलिए बार बार कहते हैं गुण से मुक्त। अब इसका विग्रह जरूर जानिए, नहीं आप लोग प्रश्न गलत करके आएंगे, बार बार कहता हूँ विग्रह आप लोग तैयार कर लीजिए, ऐसे गुणमुक्त को गा देंगे परीक्षाओं में, केवल बस पहले विग्रह जानिए गुण से मुक्त रखिए। रोग पीड़ित,
जैसे तुलसी कृत में रटिये तुलसी द्वारा कृत सबसे ज्यादा रटिये तुलसी द्वारा कृत रक्त से रंजित करण तत्पुरुष करण तत्पुरुष मान लीजिए आ गया रक्त रंजित तुरंत समझ जाएंगे तो पढ़े थे रक्त से रंजित हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे काम चोर देह चोर हैदराबाद, अब देखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है हैदराबाद तो क्या होगा हैदरा से बाद इसका विग्रह क्या होगा हैदरा से बाद हैदरा से बाद ही हमारा करण तत्पुरुष है। ये देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है गुणमुक्त और हैदराबाद प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे पूछ सकता है रस भरा रस से भरा गुड़ भरा गुड़ से भरा मुंह मांगा मुंह से मांगा ये सब बहुत उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण इसको जरूर जानिए ईश्वर दत्त ये सब प्रश्न पूछ सकते हैं ईश्वर द्वारा दत्त ईश्वर द्वारा दत्त। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा ईश्वर द्वारा दिया हुआ या लिखिए ईश्वर द्वारा दिया हुआ ईश्वर द्वारा दिया हुआ इसका विग्रह दिया गया है। अब यहाँ पर द्वारा लगेगा हमारा जो है ईश्वर दत्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ईश्वर दत्त जो है हमारा क्या है तत्पुरुष समास में करण तत्पुरुष है। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे करण तत्पुरुष के बाद चतुर्थी में। देखिए चतुर्थी तत्पुरुष में भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं ये जरूर ध्यान रखे रहिएगा कि किस समास में जो है नहीं ये प्रश्न पूछेगा कि तत्पुरुष समास में किसका जो है जो संबोधन कारक और कर्ता कारक का क्या होता है समास विग्रह नहीं होता है यानी विभक्तियां नहीं लगती हैं किसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक रटे रहिएगा इसको यहाँ से प्रश्न आ सकता है। फिर हम लोग अब चौथा पढ़ेंगे संप्रदान कारक संप्रदान ये बहुत इंपॉर्टेंट कारक है संप्रदान कारक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी विभक्तियाँ क्या होगी पहले इसीलिए मैं कहता हूँ विभक्तियाँ जरूर तैयार रखिए को के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिए को के लिए इसकी विभक्तियाँ होंगी। जैसे अभी हम लोग उदाहरण लिखेंगे हमने लिखा गौशाला देखिए टेट में आया प्रश्न है ये टेट में आया प्रश्न है गौशाला अभी बताएंगे क्या पूछा गया था। देखिए वहाँ पूछा गया था कि गौशाला में कौन सा समास था पुरुष समास में गौशाला कौन सा समास है भेद में गया था संप्रदान लिखा था करण तत्पुरुष और मान लीजिए कर्ता ही दे दिया तो कर्ता कारक का आपका विभक्तियाँ बनता ही नहीं है तत्पुरुष समास होता ही नहीं है। और मान लीजिए दे दिया संप्रदान कारक फिर उसके बाद दे दिया करण और जो है संबोधन कारक ऐसे मान लीजिए आपने बना दिया तो गौशाला कैसे जानेंगे संप्रदान कारक है तो जब इसको हम लोग छोड़ेंगे विग्रह जानेंगे गो के लिए साला। अब यहाँ पर देखिए के लिए आ गया कि नहीं गो के लिए साला इसको जरूर ध्यान रखिएगा आपकी यूपीपी में भी परीक्षाओं में ये विग्रह पूछ सकता है। मान लीजिए टेट में पूछा कि गौशाला में कौन सा समास है तो आगे जो है ये भी पूछ सकता है कि जो है गौशाला में जो है विग्रह हो सकता है के लिए यानी गो के लिए साला गौशाला बहुत इंपॉर्टेंट है टेट में पूछा गया इस बार यूपीपी में 100% आएगा। आपके टेट में भी पूछा गया था कि रसोई घर अभी हमने बताया था रसोई घर देखिए टेट में पूछा गया प्रश्न है विग्रह पूछा था रसोई के लिए घर क्या होगा रसोई के लिए घर। अब देखिए यहाँ पर को के लिए जरूर आएगा रसोई के लिए घर अब इसी से हम लोग पहचानेंगे इसीलिए मैं कहता हूँ कि विग्रह जो तैयार करिएगा रसोई के लिए घर रटिए रसोई घर यानी संप्रदान तत्पुरुष समास है।
संप्रदान संप्रदान कारक है। मान लीजिए ऐसे दे दिया रसोई घर में कौन सा समास, मान लीजिए बहुव्रीहि दे दिया, द्वंद दे दिया, तत्पुरुष दे दिया, द्विभाव दे दिया, लगा दीजिए तत्पुरुष समास सही होगा। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ कि इस समय विग्रह को पूछे जा रहे हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हो करके आप लोग गलत करते हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया लोकहित, लोकहित, अब जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, लोक के लिए हित, लोक के लिए हित, देखिए सभी में के लिए आ रहा है, के लिए हित, लोक के लिए हित हमारा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। और इसमें लोकहित तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक होगा। जैसे एक प्रश्न पूछा गया देशभक्त, देशभक्त, अब क्या होगा, देश के लिए भक्त, देश के लिए भक्त हमारा सही होगा, देश के लिए भक्त। फिर पूछा गया, ये बहुत पूछा जाता है, सभा भवन, सभा भवन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभा भवन, तो क्या होगा, सभा के लिए भवन, सभा के लिए भवन, यहां हमारा क्या सही होगा, सभा के लिए भवन, क्या होगा, सभा भवन, सभा के लिए भवन। मान लीजिए पूछ लिया पुत्र शोक, पुत्र शोक, तो क्या होगा, पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक। देखिए हमेशा यहाँ पर देखिए के लिए ही चल रहा है, के लिए शोक हमारा सही हो जाएगा कि ये तो संप्रदान कारक है, क्या है, संप्रदान कारक है। और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको सारा रसोई घर को मत भूलिएगा, लोक हित को मत भूलिएगा, देशभक्ति भी आगे भविष्य में आ सकता है। इसके बाद जैसे पूछा गया शिक्षालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शिक्षालय पूछ सकता है, क्या पूछेगा, शिक्षा के लिए आलय, शिक्षा के लिए आलय, आलय माने घर होता है, शिक्षा के लिए आलय, आलय माने क्या होता है, शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। शिक्षा में अब पूछे कि कौन सा जो है संधि है, क्या लगाएंगे शिक्षा में, शिक्षा धन आलय, तो शिक्षा में मूल स्वर बड़ा, यानी हमारा दीर्घ स्वर संधि है, क्या है, दीर्घ स्वर संधि भी है, और तत्पुरुष समास में संप्रदान तत्पुरुष है, यानी कोलि के लिए आलय जो है, शिक्षा के लिए आलय, शिक्षालय। फिर पूछा गया, जैसे मान लीजिए पूछ लिया राह खर्च, राह के लिए खर्च जो है, फिर पूछ लिया माल गोदाम, जैसे पूछा गया माल गोदाम, अब यहाँ पर क्या सही होगा, माल के लिए गोदाम। देखिए थोड़ा तत्पुरुष समास का टॉपिक बड़ा टॉपिक है, इसलिए क्योंकि विभक्तियों पर चल रहा है, माल के लिए गोदाम, इसलिए थोड़ा समय लगेगा इसमें, और आप लोग जरूर वीडियो देखिए, जितने भी वीडियो अपलोड हैं आपको 100% दिया जाएगा, इसलिए इग्नोर मत कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि हिंदी नहीं सुन चलाया जा रहा है तो आपको मूर्ख बनाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जरूर पूछेगा। शिक्षा के लिए आलय, शिक्षालय, माल गोदाम भी पूछ सकता है। देवालय पूछा गया प्रश्न है, देवालय, देवालय, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देवालय पूछा गया प्रश्न है, देव के लिए आलय, देव के लिए आलय, देवालय देखिए पूछा गया है, देव के लिए आलय, देखिए हमारा के लिए सभी में चल रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा देवालय। फिर पूछा गया सात दक्षिणा, अब देखिए भी प्रश्न पूछ सकता है सात दक्षिणा, तो क्या बनाएंगे जब इसका विग्रह करेंगे, साध के लिए दक्षिणा, साध के लिए दक्षिणा, के लिए दक्षिणा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साध दक्षिणा में हमारा संप्रदान तत्पुरुष है। जैसे पूछ लिया ब्राह्मण दे, ब्राह्मण दे, तो क्या होगा, ब्राह्मण के लिए दे, ब्राह्मण के लिए दे हमारा सही हो जाएगा, ब्राह्मण के लिए दे। फिर पूछा गया कि जो है डाक मकसूल, डाक मकसूल, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा,
डाक के लिए मकसूल, डाक के लिए मकसूल, मकसूल, डाक मकसूल यानी डाक के लिए मकसूल जो है माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, देवालय देव के लिए आलय, साध दक्षिणा पूछा, साध के लिए दक्षिणा बिखरा होगा, और ब्राह्मण के लिए ये डाक के लिए मकसूल, ये हमारा सही हो जाएगा। जैसे कन्या विद्यालय पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया, कहीं पूछ सकता है यूपीपी और बीएड में कन्या विद्यालय, कन्या विद्यालय पूछा गया तो क्या इसका करेंगे विग्रह, कन्या के लिए विद्यालय, कन्या के लिए विद्यालय यही होगा विग्रह, कन्या के लिए विद्यालय सही होगा। जैसे मान लीजिए पूछ लिया हवन कुंड, हवन के लिए कुंड सही होगा। फिर पूछा गया हवन कुंड, एक प्रश्न पूछा गया हवन कुंड, हवन कुंड, अब इसको जब हम विग्रह करेंगे हवन के लिए कुंड, हवन के लिए कुंड, हवन के लिए कुंड, यहाँ पर देखिए इसका विग्रह हो गया हवन के लिए कुंड, यहाँ पर हवन कुंड हो जाएगा। जैसे भूत बलि, भूत बलि, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा, भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि, ये सही हो जाएगा। तो ये था हमारा जो है संप्रदान तत्पुरुष था, जो है हम लोग चतुर्थी में चौथे में हम लोग चर्चा कर रहे थे संप्रदान तत्पुरुष में। इसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे पंचमी में जो है, इसके बाद हम लोग पंचमी में चर्चा करेंगे समास, तत्पुरुष समास। देखिए हम लोग का टॉपिक चल रहा है थोड़ा लेंदी टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है तत्पुरुष समास, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपका एक वीडियो में तत्पुरुष समास पूरा अपलोड हो जाएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। देखिए एक प्रश्न आ गया अपादान, कितना प्रश्न बनता है आप लोग खुद जानते होंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अपादान अलगाव की बात करेगा, ये प्रश्न जो है अपादान जो होगा ये क्या करेगा, से अलग यानी अलगाव की बात करेगा। जैसे हमने एक प्रश्न बनाया, क्या बनाया, दोष मुक्त, दोष मुक्त। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे अपादान में तो क्या होगा, दोष से मुक्त। अब देखिए क्या हो रहा, अलगाव दोष से जो है इन्हें क्या हो रही है, मुक्ति हो रही है, दोष से मुक्ति हो रही है, दोष से मुक्त। अब यहाँ देखिए क्या हो गया कि इन्हें अलगाव हो गया, ये दोष से क्या हो गए, मुक्त हो गए। वही कह रहा है अपादान से अलग होगा, दोष से इन्हों क्या हो गए, मुक्त हो गए यानी अलगाव हो गया, अपादान वही कहता है दोष मुक्त। जैसे पूछा ऋण मुक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऋण मुक्त। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या होगा, ऋण से मुक्त यानी जो इन्होंने ऋण लिया था उससे क्या हो गए, ऋण से मुक्त हो गए, ऋण मुक्त यानी ऋण से ये क्या हो गए, मुक्त हो गए। जैसे पूछा धनहीन, धनहीन पूछ लिया तो क्या हो जाएगा, आप लोग विग्रह करिए धन से हीन, धन से क्या हो गए, हीन हो गए यानी अलग हो गए धन से, धनहीन। चिंता मुक्त, देखिए विग्रह से ही लग जा रहा है कि हमारा क्या सही जा रहा है, चिंता मुक्त। अब देखिए क्या सही होगा, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, चिंता से क्या हो गए, मुक्त हो गए, चिंता मुक्त, चिंता से मुक्त, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा चिंता मुक्त, देश मुक्त। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। बलहीन, बलहीन, अब क्या हो जाएगा, बल से हीन, जब इसका विग्रह करेंगे बल से हीन हो जाएगा। अलगाव की बात करेगा, जैसे मान लीजिए पूछा गया गृह विहीन, गृह विहीन, गृह माने घर होता है यानी घर से विहीन हो गए यानी गृह से विहीन। देखिए हमारा सही हो गया गृह से विहीन सही हो जाएगा। इसके बाद जैसे फिर पूछा गया ईश्वर विमुख,
ईश्वर विमुख। अब क्या सही होगा? ईश्वर से विमुख सही होगा। क्या सही होगा? ईश्वर, देखिए अलगाव की बात करेगा, ईश्वर से विमुख। लेकिन विग्रह आप लोग जरूर जानिए, विमुख ईश्वर से विमुख है, ईश्वर से विमुख हो गए। क्या हो गए? ईश्वर से विमुख हो गए। फिर पूछ सकता है आगे भी कि विमुक्त में बताइए कौन सा समास है? अपादान समास होगा। विमुक्त क्या होगा? जैसे प्रश्न पूछा कि बताइए विमुक्त, विमुक्त। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका जब विग्रह करेंगे बे से मुक्त, बे से मुक्त। क्या सही होगा? बे से मुक्त सही होगा। पाप मुक्त मान लीजिए पूछ लिया, पाप मुक्त, पाप मुक्त क्या सही हो जाएगा? पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। यहाँ क्या सही होगा? पाप से मुक्त सही हो जाएगा। इसके बाद और प्रश्न बनते हैं, जैसे पाप मुक्त हो गया, पाप से मुक्त। इसके बाद फिर पूछ सकता है आगे जो है देश निकाला, जैसे प्रश्न पूछ सकता है देश निकाला। अब क्या होगा? देश से निकाला, जब इसका विग्रह करेंगे देश से निकाला, इसका विग्रह यही होगा देश से निकाला, देश निकाला यहाँ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद जैसे सही होगा जनमान, जैसे एक प्रश्न पूछा जनमान। अब क्या सही होगा? जन्म से अंधा, इसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या सही होगा? जन्म से अंधा, जन्म से अंधा सही हो जाएगा। जन्मांध यानी जन्म से अंधा सही होगा। तो ये जो है बंधन मुक्त, जैसे एक प्रश्न पूछा गया बंधन मुक्त। अब देखिए ये भी अपादान कारक है, कैसे पहचानेंगे? तुरंत विग्रह के लिए बंधन से मुक्त। सबसे पहले इसी में बार बार कहता हूँ, यदि आपको समास सही करना है तो विग्रह जरूर जाने बंधन से मुक्त। विग्रह नहीं जानेंगे कभी समास सही नहीं कर पाएंगे, रटे रहिए बंधन मुक्त बंधन मुक्त, गलत करके चले आएंगे। लेकिन एक बंधन मुक्त बंधन से मुक्त तुरंत सही हो जाएगा, जो है आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे षष्टमी में जो है, इसके बाद सप्तमी में करेंगे, हमारा समास जो है तत्पुरुष में खत्म हो जाएगा। संबंध तत्पुरुष अब हम लोग चर्चा करेंगे, जहां पर संबंध की बात करेगा, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में। अब देखिए संबंध तत्पुरुष हमारा क्या है? का के की रा रे री, का के की रा रे री, ये सभी आते हैं का के की रा रे री, इसी पर चलेगा संबंध तत्पुरुष। जैसे गंगा जल, हमने एक प्रश्न लिखा गंगा जल, गंगा जल। अब यहाँ पर जब इसको हम लोग तोड़ेंगे गंगा का जल, देखिए आया कि नहीं संबंध तत्पुरुष, जोड़ने का संबंध की बात करेगा गंगा का जल। अब यहाँ पर देखिए गंगा मान लीजिए है ही है और इसका संबंध बता रहा है, देखिए जोड़ने का काम करेगा जल जो है, क्या है? गंगा का जल है, यानी संबंध की बात करेगा, संबंध तत्पुरुष होगा राष्ट्रपति। जैसे पूछा गया राष्ट्रपति, अब देखिए संबंध की बात करेगा, राष्ट्र मान लीजिए देश है, उसका पति है यानी उसका राजा है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति। यहाँ पर देखिए संबंध की बात कर रहा है, का के की रा रे री, यानी राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति, विभागाध्यक्ष। जैसे पूछा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है विभागाध्यक्ष, तो क्या होगा? विभाग का अध्यक्ष, उस विभाग का क्या संबंध बता रहा है कि विभाग का क्या है? अध्यक्ष है, वही कह रहा है विभागाध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष है। क्या है उस विभाग का संबंध? देखिए यहाँ जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है विभागाध्यक्ष। जैसे पूछा गया लोकनायक,
लोक नायक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा लोक नायक, लोक का नायक, यानी उस लोक का क्या है, नायक है, लोक का नायक। अब यहां पर ध्यान दीजिए ये भी संबंध की बात कर रहा है, देखिए का के का आपको मिल रहा है, ये सब जो है आपके क्या है, गंगा जल को गंगा से जल में जोड़ने का काम कर रहे हैं, राष्ट्र को पथ का विभागाध्यक्ष को अध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष, लोक नायक यानी लोक का नायक। जैसे पूछा देश सेवा, देश सेवा जैसे पूछा गया तो क्या होगा, देश, देश का सेवा, देश का सेवा या देश की सेवा। तो यहां देखिए का के की के हमारा की आ गया, देश की सेवा, देश सेवा हमारा संबंध तत्पुरुष है। पतितोद्धार, पतितोद्धार, पतितोद्धार। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा, पतित का उद्धार होगा जब इसको हम लोग तोड़ेंगे, यानी पतित का क्या किया जा रहा है, संबंध यानी उद्धार किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उद्धार, पतित का उद्धार सही होगा, पतितोद्धार यानी पतित का उद्धार हमारा सही होगा विकल्प। इसके बाद फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जैसे मान लीजिए अन्नदाता, अन्नदाता। अब यहां पर ध्यान दीजिए जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, अन्न का दाता, अन्न का दाता, यहां क्या सही होगा, अन्न का दाता सही होगा, अन्नदाता। तो ये सब जो हमारे संबंध तत्पुरुष हैं, जैसे पूछा गया इस समय है, और आप लोग प्रश्न देखिए यूपीपी और बीएड की जितनी भी लगी हुई परीक्षाएं हैं, पहुंच सकता है राम राज, बिल्कुल 100% प्रश्न आएगा राम राज। तो क्या है जो है, जरूर जानिए राम का राज्य है, इस समय क्या है, राम का राज्य है। ये प्रश्न इस बार टपकेगा यूपीपी में और बीएड में भी आएगा, 100% जो है राम का राज्य है इस समय, और होना भी चाहिए, है भी राम का राज्य। यहाँ पर ध्यान दीजिए राम राज, यहाँ पर जो है राज्याध्यक्ष, जैसे पूछा गया राज्याध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, यहाँ पर देखिए क्या है, राज्य का अध्यक्ष, यानी क्या है, राज्य का वो क्या है, अध्यक्ष है, हमारा संबंध तत्पुरुष है, क्या है, संबंध तत्पुरुष होगा राज्याध्यक्ष। इसको जो भी भाई बहन तैयार कर रहे हैं, बार बार मैं कहूँगा कि राम राज्य को जरूर आप लोग जानिएगा, यूपीपी और बीएड, बीएड और टीजीटी पीजीटी तक की परीक्षाओं में टपक सकता है प्रश्न, इसलिए राम का राज्य जरूर जानिएगा, राम राज। वीर पुत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिमन्यु की तरह जानिए वीर पुत्र, वीर पुत्र यानी क्या होगा, वीर पुत्र का जब हम लोग विग्रह करेंगे, वीर का पुत्र, वीर का पुत्र, वीर का पुत्र, पुत्र सही होगा 100% ये प्रश्न, ये भी आ सकता है, लेकिन राम राज को मत भूलिएगा, ये प्रश्न आ सकता है। सूर्योदय, देखिए सूर्योदय, सूर्योदय तो क्या होगा, सूर्य का उदय होगा, जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो सूर्य का उदय होगा, संबंध की बात करेगा, सूर्य तो क्या हो रहा है, उदय हो रहा है, यानी दोनों में संबंध की बात कर रहा है, सूर्योदय, सूर्य का उदय। सेना नायक, जैसे आपसे पूछे सेना नायक तो क्या होगा, सेना का नायक, यानी क्या है, उस सेना का नायक है, संबंध पुरुष की बात कर रहा है, सेना नायक, सेना का यहाँ पर देखिए नायक लिखा हुआ है, नायक या बना लीजिएगा सेना नायक, सेना का नायक। ईश्वर उपासना, ईश्वर उपासना, अब देखिए ईश्वर उपासना, देखिए यहाँ वाह होगा, फिर से लिख दे रहे हैं ईश्वरोपासना, ईश्वरो, ईश्वरोपासना, यहाँ पर ध्यान दीजिए तो क्या होगा, ये ईश्वर की उपासना होगा, क्या होगा जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे, ईश्वर की उपासना। अभी देखिए का किया गया उपासना, संबंध तत्पुरुष की बात किया कि नहीं किया,
बिल्कुल किया बेलपुत्र, राज्याध्यक्ष को भी जाने जाइए, राष्ट्रपति को भी जाने जाइए। प्रश्न यहाँ से प्रश्न आ जा सकते हैं। तो ये जो है हमारा था षष्ठमी में संबंध तत्पुरुष, इसके बाद हम लोग अधिकरण तत्पुरुष पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सप्तमी में अधिकरण 19वां हमारा क्या है, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण यहाँ पर पड़ा है, अधिकरण तत्पुरुष। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अधिकरण तत्पुरुष में पर, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए पूछा गया, चाहे में आएगा चाहे पर आएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे हमने एक प्रश्न लिखा ध्यान मग्न, अब जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान में मग्न। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे ध्यान में, देखिए मां आ गया, यानी हमारा क्या है, अधिकरण तत्पुरुष है, ध्यान में मग्न। उसके बाद जैसे हमने प्रश्न लिखा, जैसे ध्यान मग्न लिखा, वैसे शोक मग्न लिख दीजिए। तो क्या होगा, शोक मग्न, शोक में मग्न। जब इसका हम लोग विग्रह करेंगे, शोक में मग्न, इसका सही हो जाएगा शोक मग्न पुरुष सिंह। अब यहां पर देखिए, जैसे एक प्रश्न पूछा पुरुष सिंह, अब पुरुषों में सिंह क्या है, इसका विग्रह होगा पुरुषों में सिंह, इसका विग्रह हो जाएगा। ये देखिए पूछ सकता है पुरुष सिंह, अधिकरण तत्पुरुष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पुरुष सिंह। शोक मग्न और ध्यान मग्न को भी जानते रहिए। फिर जो है आप बीती, ये प्रश्न आ चुका है, आप बीती, आप बीती यानी आप पर बीती, आप पर बीती, इसका विग्रह होगा आप बीती, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है आप पर बीती है। देखिए यहां पर आ गया, मैं पर या मैं आएगा या पर आएगा, आप पर बीती। फिर पूछा कब श्रेष्ठ, ऐसे एक प्रश्न पूछा गया कब श्रेष्ठ, इसरा है श्रेष्ठ, तो कवि में श्रेष्ठ, इसका विग्रह जब होगा क्या होगा, कवि में या कवियों में श्रेष्ठ लिखिए, चाहे कवि में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, सार्थक शब्दों में लिखिए कवियों में श्रेष्ठ, इसका विग्रह हो जाएगा कवि श्रेष्ठ। फिर पूछा वनवास, वनवास तो इसका विग्रह करेंगे क्या होगा, मन में वास, मन में वास, इसका विग्रह हो जाएगा। फिर पूछा गया स्वर्गवासी, स्वर्गवासी, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा इसका विग्रह, स्वर्गवासी स्वर्ग में बसने वाला, इसका विग्रह जब करेंगे तो स्वर्ग में बसने वाला, बसने वाला, स्वर्गवासी का मतलब स्वर्ग में बसने वाला, इसका विग्रह हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग जैसे लिखेंगे ग्रामवास, फिर हम लोगों ने एक प्रश्न लिखा कि पूछा गया ग्रामवास में बताइए कौन सी संधि है, जैसे एक प्रश्न पूछा गया ग्रामवास, तो इसका विग्रह जब करेंगे ग्राम में वास, ग्राम में वास, इसका विग्रह होगा। यानी सब हमारे क्या है, अधिकरण तत्पुरुष पर ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मे पर ही, ग्रामवास। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम पूछा गया तो क्या होगा, सर्वोत्तम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबों में उत्तम, सबों में उत्तम होगा, सबों में उत्तम, यहां पर ध्यान दीजिएगा सबों में उत्तम होगा जो है हमारा अधिकरण तत्पुरुष, ये हम लोग जाने। इसके बाद जैसे नरोत्तम, ये प्रश्न आ चुका है आपके, शायद इमारत में पूछा गया था नरोत्तम, किसी परीक्षक पर इमारत में ही पूछा गया, लेकिन शायद उसमें पूछा गया था जो
वार्डन वार्डन की परीक्षा थी, नरोत्तम तो नरों में उत्तम क्या होगा इसका विग्रह, नरों में उत्तम इसका विग्रह क्या होगा, नरोत्तम में नरों में उत्तम हो सकता है नराधम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है नराधम, नराधम तो क्या होगा नरों में अधम, नरों में अधम, नरों में अधम सही होगा। फिर पूछा गया कि जो है रणसूर, रणसूर अब इसका विग्रह जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा, रण में सूर, रण में सूर, रण में सूर सही होगा। उसके बाद जैसे पूछा गया शस्त्र निपुण या पूछा गया सिंहासनारूढ़, सिंहासनारूढ़ अब यहां पर ध्यान दीजिए सिंहासन पर आरूढ़ होगा, क्या होगा सिंहासन, सिंहासन पर आरूढ़, आरूढ़ सिंहासन पर आरूढ़ जो है। फिर रण कुशल, रण कुशल, रण में कुशल इसका विग्रह क्या होगा, रण में कुशल। जितने भी बताए जा रहे हैं इसमें सभी इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप लोगों ने समाप्त जितना भी वर्णमाला से जो वीडियो हमने वाइट बोर्ड पर शुरू किया है, यदि आप लोग पूरा वीडियो देखते रहेंगे 100% हिंदी ग्रामर पर जाएंगे, 100% सही होगा। सभा पंडित जैसे पूछ लिया, क्या बताएंगे आप लोग सभा पंडित, सभा पंडित अब जैसे पूछ लिया सभा पंडित तो सभी अधिकरण तत्पुरुष हैं, लेकिन अभी पढ़ा जा रहा तब सरल लग रहा है सभा में पंडित, सभा में पंडित। तो ये जो है हम लोगों का था तत्पुरुष समास जो है, जिसमें अब देखिए संबोधन और कर्ता कारक का तत्पुरुष समास में समास चलता ही नहीं है, इसलिए कर्ता और संबोधन आपका होगा नहीं। इसके बाद जो है तत्पुरुष समास के लिए प्रश्न पूछता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के देखिए छह उपभेद हैं। देखिए इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, इसका हम अलग वीडियो लाएंगे। ये भी प्रश्न यहाँ से खूब पूछा जाता है कि कितने उपभेद हैं तत्पुरुष समास के, छह उपभेद हैं, कौन कौन से हैं, इसको हम लोग बाद में लाएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आप लोग तत्पुरुष समास में जो है जो छह भेद बताए गए हैं कर्ता और संबोधन को छोड़ करके, इसको आप लोग पूरा तैयार रखिए, और उसके बाद फिर हम तत्पुरुष समास के छह भेद का एक वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।